तो गुरु देने के नाम पर भसूड़ा आज भी दूसरे नंबर पर है और ज्ञान पहले नंबर पर। मतलब ज्ञान देने वाले तो इतने हैं कि चौथी फेल भी तुम्हें इंजीनियरिंग का ज्ञान दे सकता है और मुठियाबाज इंसान भी तुम्हें नोनट नवंबर का ज्ञान दे सकता है। इसी ज्ञान की खोदों में कुछ मेरे मित्र भी हैं, जिन्होंने जीवन में आज तक साक्षात गुजिया के दर्शन तक नहीं किए हैं, परंतु उनसे पेलम ज्ञान तो तुम ऐसा ले लोगे जैसे बहन के पकौड़े के बाप की ब्रेजर की कंपनी हो। खैर, हमारे जमाने में तो स्कीम बस इतनी सी ही थी कि हमारे जमाने की टीचर सिर्फ ज्ञान दिया करती थी, पर आजकल की फिल्मों को देख करके ऐसा लग रहा है कि शायद स्कीम बदल गई है। ज्ञान के साथ साथ ज्ञान शब्द से ही रिलेटेड कुछ और भी टीचर्स देने लग गई हैं। ऐसा ही कुछ होता है हमारी आज की इस फिल्म में। देखो क्या होता है जब एक टीचर उसे अपनी गहरी गुफा में उतार लेती है। ये सब कुछ कैसे कैसे कहाँ कहाँ क्यों क्यों कितनी कितनी बार और किस किस के साथ होता है, ये सब आप आज की इस मूवी में देखने वाले हैं। मूवी का नाम है जैकलीना और इसे डाउनलोड कैसे करना है ये मैं आपको थोड़ा सा आगे बताऊंगा। पर उससे पहले हमारे अगर दूसरे वाले चैनल को और ब्लॉग वाले चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर तो हम इससे भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए हर रोज अपलोड कर रहे हैं। क्विज स्टार्ट होती है और हम एक गणित की टीचर को देख पाते हैं। हम तुम्हें पहले ही बता दें कि इस टीचर को नहीं पेलते हैं, बवाल टीचर तो अभी आनी बाकी है। खैर, यहाँ पर गणित की टीचर को देखकर ही इन दोनों लौंडों की गणित फटती है। ये दोनों पीछे बैठ करके कुछ लिख रहे थे कि तभी टीचर इनके पास आकर के पूछती है कि उन्होंने कितना नोट किया। देखने पर पता चला कि उन्होंने तो लांड कुछ नहीं नोट किया अभी तक, पीछे बैठे वो तो बस मौज मार रहे थे। अब गणित की टीचर की ये देखकर तो गणित सुलग जाती है, तो वो उनसे पूछने लगती है कि आखिर ये लोग यहाँ पर करते क्या है। इतने में ही आगे बैठी एक लड़की ने उन्हें बताया कि ये एक नंबर के मुठैले इंसान हैं। जितनी भी टीचर्स आगे पढ़ाने के लिए आती हैं, ये लोग पीछे बैठ करके उन्हें तरह तरह से इमेजिन करते हैं और उन्हें याद कर करके अपनी पिचकारी घिसते रहते हैं। उन लड़कों का मानना था कि जिस तरह से वो अपनी टीचर्स को इमेजिन करके अपनी पेलम स्टोरी बना करके पिचकारी चलाते हैं, वैसे ही वो लोग और भी कई सारी स्टोरीज बना सकते हैं जिन्हें वो फिल्म मेकिंग कंपनीज में देंगे। गणित की टीचर उसे गरियाते हुए कहती है कि बेटा, अगर मुठिया पेलने से एक रुपया भी मिलता होता ना तो आज शिवाय के सारे दोस्त इलॉन मस्क बन गए होते। खैर, छुट्टी होने के बाद जब ये लोग घर जा रहे थे कि तभी रास्ते में इन्हें इनकी इंग्लिश की टीचर दिखाई देती है। ये जो इतने पतले हो गए इसका रीजन इनकी इंग्लिश की टीचर ही है। हालात इन्होंने अपने कुछ ऐसे बना लिए हैं कि इंग्लिश के टीचर को इतना याद करते हैं कि एक खटिया तो इन्होंने अपने वॉशरूम में ही डाल लिया, क्योंकि बेडरूम से ज्यादा तो ये वॉशरूम में गुजारते हैं। फिलहाल टीचर स्विमिंग के लिए जा रही होती है तो ये भी उनके कच्चे बादाम देखने के लिए स्विमिंग सेंटर पहुंच जाते हैं, और टीचर को पानी में गोता लगाता देख ये भी उनकी गहरी गुफा में गोता लगाने के सपने देखने लगते हैं, जिसके बाद ये भी पानी के नीचे से जा करके उनकी झील के पानी को निहारने लगते हैं। इतने में ही अचानक से टीचर के कपड़े खुल गए और इन्हें लटकते हुए संतरों के साथ बड़े बड़े तरबूज दिख जाते हैं, जिसे देखकर आज रात की इनकी मुठिया मटेरियल का तो इंतजाम हो गया। टीचर का पीछा करते करते जब ये उसके घर पहुंच गए तो जाकर के देखते हैं कि शायद जो उनकी टीचर का बाबू था वो नल्ला था और उससे कुछ होता नहीं है। इसी वजह से टीचर काफी परेशान नजर आ रही थी, और वो जब वहीं पर कपड़े बदलने लगती है तो माइकल उनकी फोटो खींचने वाला था, पर फिलिप ने इस बात के लिए उसे मना कर दिया। उससे लग रहा था कि ये अच्छी चीज नहीं है। अगले दिन जब वो अपनी स्टोरी पर बेस्ड एक फिल्म को एडिट करके लाते हैं तो ये चीज उनकी टीचर को बहुत पसंद आती है, जिस पर वो फिलिप की काफी तारीफ करती है और पूरी क्लास को उन दोनों की बनाई हुई फिल्म दिखाती है। हालांकि क्लास के लौंडे तो होते ही एक नंबर के बकचोल है, तो वो तो उनकी फिल्म में हंसने लगते हैं, पर टीचर ने उन्हें समझाते हुए कहा कि इन दोनों ने बहुत मेहनत की है और सच में ये फिल्म तो किसी का भी पानी निकाल दे, आंखों से किसी का भी पानी निकाल दे, तो इसमें आपको उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। टीचर के मुंह से अपने लिए इतनी तारीफ सुनकर के दोनों लौंडो को तो बस यही लग रहा था कि अब तो टीचर उनको दे ही देंगी। स्कूल खत्म होने के बाद वो टीचर को और भी ज्यादा खुश करने के लिए उस मूवी को दोबारा से एडिट करते हैं, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि टीचर जितना खुश होंगी उतनी ही जल्दी उन्हें अपने संतरे दे देंगी। अगले दिन जब ये स्कूल पहुंचते हैं तो सभी लौंडो से ये कह देते हैं कि आज गणित वाली टीचर की गणित फटी पड़ी है और वो आज हम लोगों की एक्स्ट्रा क्लास लेने वाली है, इस वजह से फिल्म की जो क्लास है वो आज नहीं लगेगी और सभी लोग गणित के टीचर के पास चले जाओ। हालांकि ऐसा घंटा कुछ होने वाला नहीं था, बस उन लोगों ने तो ऐसा इसलिए किया था ताकि वो टीचर से अकेले मिल सके, और जब टीचर आती है तो उसे समझ नहीं आता कि आज कोई भी बच्चा क्लास में आया क्यों नहीं, पर ये दोनों आए हुए थे तो ये उन्हें देने लग जाती है ज्ञान देने लग जाती है। पर दूसरी तरफ इन्हें लेना तो था पर ज्ञान नहीं, कुछ और।
और यहीं पर हम देख पाते हैं कि ये इतने प्यासे मानुष हैं कि क्लास में बैठे बैठे ही टीचर को मंजन कराने के और उसकी गहरी गुफा में रगड़म कार्यक्रम करने के सपने देखने लगते हैं और तरह तरह से उसकी चीखें निकालते हुए इमेजिन कर रहे हैं। टीचर भी धीरे धीरे अब उससे इतनी फ्रैंक हो गई थी कि वो उनसे कहती है कि चलो ठीक है, बाकी की क्लास हम लोग एक सिगरेट पीने के बाद लगाते हैं। जिसके बाद ये तीनों ही बाहर जाते हैं और इस बीच अपना फिलिप टीचर की घुसने की कोशिश करता है। ये देखकर माइकल की झाटियां जरूर जल रही थी, परंतु वो बेचारा इंट्रोवर्ट था और वो चाह कर भी टीचर से लबर लबर नहीं कर पाता, और दूसरी तरफ तो फिलिप अब तक उनकी झाड़ियों में घुस चुका था। बातों ही बातों में टीचर उससे कहती है कि उसका स्वेटर बहुत अच्छा लग रहा है। फिलिप ने कहा कि हाँ अच्छा तो है, पर इससे ज्यादा गर्मी तो आपको कुछ और लेने में आएगी। टीचर को समझ में आ गया था कि ये लौंडे कहाँ पहुंच रहे हैं, इस वजह से धीरे धीरे वो भी उनके साथ खोलने लगती है। उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। अब तक अपना फिलिप भी इतना खुल चुका था कि वो उनसे पूछ लेता है कि उसे अपने स्कूल के कंपटीशन के लिए टीचर की कुछ फोटोज चाहिए, तो क्या वो क्लिक कर सकता है। टीचर भी इस बात के लिए उसे हाँ कर देती है और बातों ही बातों में वो उससे बताते हैं कि मैडम स्विमिंग बहुत अच्छा करती है। मैडम ने उनसे कहा कि वो कपड़े भी बहुत अच्छा खोलती हैं, स्विमिंग पूल में देखा नहीं था क्या। ये सुनकर उन दोनों को समझ में आ जाता है कि उस दिन जब ये मुठिया मटेरियल लेने के लिए मैडम को स्विमिंग पूल में देखने के लिए गए थे तो मैडम ने उन्हें नोटिस कर लिया था। अगले दिन टीचर अपनी डेरियों को लेकर के पहुंच जाती है फोटोशूट के लिए, और यहाँ पर फिलिप टीचर को अकेले ही लेकर आया था। शायद वो माइकल को इस बात के लिए गोली दे रहा था, पर माइकल उसकी जासूसी करते हुए वहां तक पहुंच गया था और उसे बहुत बुरा लगता है कि फिलिप अकेले ही खाया जा रहा है। खैर, टीचर के ऐसे पोजेस देख करके फिलिप की पैंट टाइट होने लगती है और ये चीज टीचर भी नोटिस कर लेती है और उसकी बिन मौसम ही बारिश करवा देती है। उसी दिन फिलिप जब अपने रूम में बैठ करके टीचर की वो फोटोज देखकर मुठिया पेल रहा था कि तभी उसकी मॉम उसके रूम में आ जाती है। वो उसे गरियाते हुए कहती है कि उसका मन पढ़ाई में क्यों नहीं लग रहा है। उसकी गणित की टीचर बता रही थी कि गणित का नाम सुनते ही इनकी गणित फट जाती है। फिलिप ने अपनी मॉम को रिप्लाई दिया कि वो फिल्म बनाना चाहता है और उसकी इमेजिनेशन भी बहुत अच्छी है, वो अपनी इमेजिनेशन के थ्रू ही फिल्म्स बनाएगा। पर फिर से वही बात आती है, उसकी मॉम पूछती है कि भैया पैसा कहाँ से लाओगे। अब फिलिप को तो यही लग रहा है कि वो अपनी इमेजिनेशन से पैसे कमा लेगा, पर फिर से वही बात कि अगर मुठिया बेलने से एक रुपए में मिलते होते ना तो आज मेरे सारे दोस्त इलॉन मस्क बन चुके होते। उसी रात वो अपनी टीचर के लिए एक लेटर लिखता है और उन्हें ईमेल कर देता है। अगली सुबह जब टीचर क्लास में आई तो वो सबसे पूछने लगती है कि आखिर मुझे पिछली रात किसने लेटर लिखा था। ये सुनकर क्लास के सभी बच्चे हंसने लगते हैं, पर दूसरी तरफ अपने माइकल की झांटियां जल चुकी हैं क्योंकि उसकी गणित की टीचर ने उसको फेल कर दिया था, जिससे आज घर जाकर के उसकी गणित तोड़ी जाएगी। वो फिलिप के पास आकर के उससे कहते हैं कि प्लीज भाई घर छोड़ दे क्योंकि आज मेरी तगड़ी पिलाई होने वाली है। पर फिलिप तो किसी और पिलाई के चक्कर में था तो वो उसे मना कर देता है, ये बोलकर कि उसे अभी थोड़ी देर क्लास में और रुकना है। माइकल की तो वैसे भी झांटियां जली हुई हैं और गुस्से में उसकी इतनी जलती है कि वो उसे बिना कुछ बोले ही वहां से चला जाता है। इतने में ही टीचर भी निकल आई और वो टीचर को तेल लगा कर कहता है कि मैडम क्या आप साथ में घूमने चलोगी। टीचर भी इस बात के लिए उसे अलाउ कर देती है और फिर ये दोनों ही एक तालाब की तरफ निकल जाते हैं। तालाब के बाहर उनके बड़े वाले कपड़े, जूते, छोटे वाले कपड़े सब कुछ पड़ा हुआ देख करके हम समझ जाते हैं कि फिलिप ने मैडम के खुले हुए कच्चे बादाम को लेकर उन्हें पानी में उतार दिया है। और यहीं पर फिलिप को शायद झील में पानी थोड़ा कम लग रहा था तो वो मैडम की झील में उतर जाता है और इसी बीच उन्हें बताता है कि वो लेटर उसने ही भेजा था। मैडम बताती है कि मुझे पहले से ही पता है क्लास का सबसे प्यासा मानुष तुम ही हो और तुम्हारे अलावा और कोई भेज ही नहीं सकता। जिसके बाद टीचर उसे चाटने लग जाती है। अगले दिन टीचर जानबूझ करके उन दोनों को फिल्म फेस्टिवल के लिए सेलेक्ट कर लेती है, और अब जब वो सेलेक्ट कर लिए गए तो ना चाहते हुए भी फिलिप की मॉम और उसके डैड को वहां पर उन्हें भेजना पड़ता है। पर इस बीच हमें फिलिप के जेनेटिक दिखाई देते हैं जो बिल्कुल सही जा रहे थे क्योंकि उसके डैड भी उसकी तरह ही लबरेलू इंसान थे, और वहां पर टीचर को देखकर वो उन्हें आंखों से ही पेलने के सपने देखने लगते हैं। खैर, फिल्म फेस्टिवल में सभी लोग आए हुए थे कि इसी बीच फिलिप को प्यास लग जाती है और वो झील का पानी पीने के लिए सीधा टीचर के पास जाता है। पर उसकी फूटी किस्मत, वो फ्लावर्स लेकर गया था कि इतने में ही गणित फाड़ गणित की टीचर निकल आती है, जिन्हें देखते ही उसकी गणित फट गई और वो फ्लावर्स फेंक करके उनसे कहता है कि वो तो गलती से यहाँ पर आ गया, और ये ज्ञान गोली देकर वो वापस चला आया। दूसरी तरफ माइकल को समझ में आ रहा है कि फिलिप की प्यास किस तरफ ले जा रही है, तो वो उसे टीचर से दूर रखने के लिए उसे अपने साथ खेलने के लिए कहता है। अब बेचारा फिलिप भी फंस गया था तो वो क्या ही करता, इसलिए वो उसके साथ खेलने लग जाता है। पर वो एक बॉल से कितना ही खेलता, जब उसको दोनों बॉल से खेलने की आदत लग चुकी थी। तो उसी रात जब पार्टी होती है और चारों तरफ सब नशे में थे, तो इस बीच अपना फिलिप छेद के नशे में आ जाता है
और ऑब्वियस सी बात है कि अब वो कहाँ ही जाएगा, सीधा टीचर के पास। उसने देखा कि गणित वाली टीचर टीचर के साथ कुछ हवा रही थी, जिसके बाद वो सोने के लिए चली जाती है। फिर फिलिप अंदर जाकर के टीचर को अपनी कोका कोला दिखा देता है। टीचर को भी अब तक प्यास लग चुकी थी, तो वो उसका कोका कोला तुरंत ही लेना चाहती थी, पर ये जगह सेफ नहीं थी, तो फिलिप उसे अपने साथ एक कोपचे में ले जा रहा था। पर दूसरी तरफ हम देख पाते हैं माइकल भी उन दोनों को देख रहा है, और ये देखकर उसकी झाटियां जल जाती है, क्योंकि दोनों ने ही साथ में डिसाइड किया था कि वो दोनों एक साथ पे लेंगे, पर फिलिप ने तो अब पार्टी बदल ली है। तो जब फिलिप टीचर को एक कोपचे में ले जा करके उन्हें पीछे से अपने वाटर की सप्लाई दे रहा था, तो टीचर की मधुर ध्वनि को वीडियो और ऑडियो के साथ वो बंदा रिकॉर्ड कर लेता है। खैर, इन लोगों को तो इस बारे में कुछ पता नहीं था, तो अब इनका ये पेलम सफर स्टार्ट हो जाता है, जिसके बाद वो हर रात टीचर को कोका कोला पिलाता है, और दिन में ये लोग बहुत खुश रहने लगे थे। खैर, टीचर के पास तो ऑलरेडी कोका कोला की सप्लाई देने के लिए उसका बाबू था ही, भले ही उसका बाबू बंटी से भी स्लो था, पर कम से कम सप्लाई देने के लिए तो कोई था ही। पर दूसरी तरफ फिलिप को कच्चे बादाम खिलाने वाली कोई नहीं थी, इस वजह से वो पहली बार में उसके लव में फॉलन ही आ जाते हैं। और फिल्म फेस्टिवल से आने के बाद भी वो टीचर को याद करके अभी भी मुठिया चालन कर रहे हैं। हालांकि दूसरी तरफ टीचर भी इस बात से ज्यादा खुश थी नहीं, क्योंकि उनका बाबू भी बिल्कुल मैगी जैसा था। मैगी तो तब भी 2 मिनट लेती है, ये तो 2 मिनट से पहले ही बन जाते थे। इस वजह से फिलिप डिसाइड करता है कि वो अगले दिन एक बार फिर से उनके गुफा को अपनी वाटर सप्लाई से भर देगा। पर जब वो स्कूल पहुंचा तो चारों तरफ लौंडे उसे घेर लेते हैं और उसे शाबाशी देने लगते हैं, क्योंकि उसने अपने टीचर को घोड़ी जो बना दिया था। फिलिप को बिल्कुल समझ नहीं आता कि इन लौंडों को पता कैसे चला, और तभी उसकी नजर जाती है प्रिंसिपल रूम में, जहां पर उसकी टीचर रो रही थी। फिलिप को एक ही बंदे पर शक होता है, जो कि है माइकल। वो ही सबकी वीडियोस बनाता रहता है, और उसे ही पता था कि...